हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक पेशेंट से जिनको इनिशियली 2018 में स्ट्रोक हुआ था जब हेमाटोमा बना था, और 2022 में उन्हें जब दोबारा स्ट्रोक हुआ वहां पर क्लॉट बना तो लेफ्ट साइड उनकी पैरलाइज हो गई थी। तो सिंस 5 ईयर्स उन्हें ये दिक्कत स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद जब वो हमारे पास विजिट किया है उन्होंने फर्स्ट टाइम, दैट वॉज 18th of November 2023, उसके दौरान उनका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है और काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इनिशियली जो फेज़ था जब हमारे पास दिलीप जी आए थे, उस टाइम लेफ्ट साइड वीकनेस उनके हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा थी, चलने के तरीके में पैर घसीट कर चलते थे, ड्रैगिंग गेट था, नी बेंडेड रहता था और एक्सटेंशन नहीं हो पाता था, मतलब घुटना पूरा अच्छे से खुल नहीं पाता था। जो स्पीच थी वो माइल्ड स्लर्ड थी और काफ़ी ज़्यादा वो स्टिफनेस बता रहे थे, ग्रैस्पिंग पावर में इश्यूज थे। बट अब जब 5 मंथ्स का ट्रीटमेंट उनका कंप्लीट हो गया है आज, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी जो गेट का पैटर्न था, मतलब चलने का तरीका था, वो भी इम्प्रूव्ड है, स्टिफनेस काफ़ी बेटर हो गई है, मॉर्निंग में हल्की फुल्की महसूस होती है एक्सरसाइज करने के बाद, वो भी बेटर हो जाती है। प्लस जो स्पीच में इशूज़ थे वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए हैं। अब एक बस परेशानी उन्हें आ रही है कि चीज़ों को प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय लगता है, उसके लिए भी हमने फर्दर ट्रीटमेंट ऐड ऑन कर दिया है। बट फिज़िकली अगर हम बात करें तो अब वो काफ़ी अच्छा रिकवर कर चुके हैं, डेली रूटीन में अपना सारा काम कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं। तो आइए दिलीप जी की ज़ुबानी जानते हैं कि इनिशियली प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई और कैसे उन्हें पता चला कि साइंस इंजीनियरिंग में इस बीमारी का इलाज होता है। तो दिलीप जी, इनिशियली जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मुझे वहाँ से बताइए कि दिक्कत शुरू कैसे हुई जो 2018 में परेशानी आई। 18 में मैं ऑफिस पे चल रहा था जी, खाना खा के और गिर गया ये किचन में। अच्छा। और लॉक हो गया रूम में, लॉक था बाहर से, ठीक, रूम में लॉक हो गया। ऑफिस से लोग को पता चला, मैं ऑफिस गया नहीं, मैं एक्चुअली रेगुलर हूँ ऑफिस में जी, रहता छुट्टी में रहता तो सबको इंटीमेट करता था, जूनियर को मैं कल नहीं आएगा कि छुट्टी रहेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग कभी उनको सेंसर साफ तरह से करते नहीं जी, तो वो आके मेरा रूम में चेक किया, मैं अंदर में नॉक था, सब मुझे निकल के 5 घंटे बाद निकल के हॉस्पिटल में गए, तो हेमाटोमा हुआ था, तब हेमाटोमा हुआ था, तो ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ था उस दौरान, ठीक है। उसके बाद लेकिन कोई वीकनेस नहीं आया था हाथ पैर में, बट 2022 में दोबारा से स्ट्रोक हुआ है, जो ये हो गया क्लॉट हो गया, क्लॉट हो गया था, ठीक है। उस टाइम लेकिन वीकनेस आया लेफ्ट साइड में, ठीक है, वॉक नहीं कर पाता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो साइंस इंजीनियरिंग के बारे में आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे पैरालिसिस का इलाज होता है? एक्चुअली मेरा दिल्ली ट्रांसफर हुआ लास्ट जुलाई में, मैं भुवनेश्वर में था जी, यहाँ सोचा एक्चुअली दिल्ली में थोड़ा ट्राई करता हूँ, चेक करता हूँ, गूगल में चेक करते करते पता चला, मैं एक्चुअली अपना नंबर दे दिया जी, कोई मुझे कॉन्टेक्ट किया नहीं, मुझे विश्वास हुआ जाके देखते हैं, मैं एक्चुअली विश्वास आदमी हूँ जी, सबको विश्वास करता हूँ, ठीक है। तब आपने विजिट किया था, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ड्यूरिंग 5 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट आपका जर्नी कैसा रहा है हमारे साथ, जो आईएमई का इलाज चला है आपका? इलाज अच्छा है, इलाज बेटर है, एक्चुअली ये बात है, हियरिंग प्रॉपर है, हियर करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक, सॉल्यूशन भी बताते, ठीक है। डॉक्टर प्रभु धवन मुझे एक्चुअली वॉकिंग भी सिखाए, अच्छा, जैसे वॉक करी वो बहुत हेल्प किया मुझे, ठीक है। तो आप डेली प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और डाइट में जो आपको परहेज बताया था पूरा रेस्ट्रिक्शन वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और एलोपैथिक मेडिसिन जो आपकी खून पतला करने की चल रही है उसे भी खा रहे हैं, ठीक है। तो आपने जैसे जाना दिलीप जी से कि इनका जर्नी कैसा रहा 5 मंथ्स का जो रिकवरी फेज है, क्योंकि अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट्स को लगता है कि एक बार दिक्कत हो गई हम ठीक नहीं हो सकते। यहाँ पर इनके कंडीशन के अंदर इनकी ब्रेन की सर्जरी भी हुई थी हेमाटोमा के लिए, उस टाइम इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेफ्ट साइड वीकनेस भी नहीं थी। बट 2022 में जो दोबारा से स्ट्रोक हुआ, जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से दिक्कत आ गई। तो तब से ये प्रिकॉशंस के साथ ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, जब ये नवंबर में विजिट किया था और जो गाइडलाइंस दी गई थी उसको अच्छे से इन्होंने फॉलो भी किया है। तो अभी आप इन्हें देख भी सकते हैं कि काफी अच्छी रिकवरी आ गई है। एक बार दिलीप जी मुझे थोड़ा सा चल के दिखा दीजिए, अभी पहले से स्पीड बेटर है चलने का, बेटर है, ठीक है। अब जो पैर पहले थोड़ा ड्रैग करता था वो ठीक हो चुका है, हो गया, ठीक है, पहले आगे नहीं निकल पाता, ठीक है। अभी
अभी बेटर लगता है। बेटर है भाई, जो एडवाइस किया था एक्सरसाइज भी डेली टू आवर्स करता हूं। अभी भी आपको और एडवाइस की गई एक्सरसाइजेस उसको भी आपको करना है, ठीक है? आज तो आपने जैसे देखा दिलीप जी के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है 5 months ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान। पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर लकवा पुराना हो गया है या दोबारा से हुआ है, बार बार स्ट्रोक हुआ है, तो क्या हमें रिकवरी कभी नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं है। दिलीप जी आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, वर्किंग है, सारा काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर हैं, बट अपना ध्यान भी रख रहे हैं। तो जरूरी होता है कि अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, मतलब उसके अंदर सुधार लाना, गाइडलाइंस को फॉलो करना। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके अंदर भी श्योरली रिकवरी आ सकती है, दोबारा से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सभी पेशेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप एफर्ट बिल्कुल मत छोड़िए। जैसे दिलीप जी ठीक हुए हैं, आप भी हो सकते हैं। बस आपको अपना लगातार जो एफर्ट है वो बनाए रखना है और गाइडलाइंस जो भी डॉक्टर्स आपको देते हैं उसको फॉलो करना है। तो पैरालिसिस से निजात पाने के लिए आपको बस क्या करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भेज सकते हैं अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और हमसे आकर मिल सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं।